नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मोटिवेशन में। दोस्तों, लेफ्ट साइड में आप जो स्मार्टफोन देख रहे हैं वो है Realme 3 Pro, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। कम प्राइस रेंज के अंदर काफी शानदार स्पेक्स के साथ आज इस वीडियो में इसका फुल चार्जिंग टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे ओप्पो F11 Pro और Vivo के V15 Pro से। यहाँ पे तीनों का चार्जिंग टेस्ट करने से पहले मैं बता दूं कि तीनों में बैटरी एमएच थोड़ा अलग है, और यहाँ पे जो ओप्पो F11 Pro और Realme 3 Pro है उसमें VOOC 3.0 ओप्पो की चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे Vivo V15 Pro की बात करें तो यहाँ पे Vivo की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो तीनों में आपको फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। Realme 3 Pro और Oppo F11 Pro में सेम VOOC 3.0 चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे तीनों का आधे घंटे का चार्जिंग रिजल्ट हम लोग देखते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए यहाँ पे चार्जिंग स्पीड का। तो Realme 3 Pro अपना पहुंचा 48% पे, ओप्पो F11 Pro की बात करें तो ये आ गया 49 और फिर कहें 50% पे, और Vivo V15 Pro की बात करें तो ये आ गया 44% पे। तो आप सिर्फ परसेंटेज कंसीडर मत करिएगा, तीनों का एमएच यहाँ पे डिफरेंट है, वो आगे चल के मैं आपको बता ही देता हूँ वीडियो के अंदर। यहाँ पे तीनों की फोन की प्राइस भी काफी डिफरेंट है, लेकिन Realme 3 Pro में आपको शानदार स्पेस मिलते हैं कम प्राइस में। तो यहाँ पे कुछ चीजें तीनों में अलग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एक घंटे का चार्जिंग रिजल्ट, उससे पहले तीनों का मैं आपको एमएच बता देता हूँ, ताकि परसेंटेज आप देखें तो उस अकॉर्डिंग कंसीडर कर सके। यहाँ पे Realme 3 Pro में आपको मिलती है 4045 एमएच बैटरी, यानी 4045 एमएच बैटरी Realme 3 Pro में, और लगभग सेम 4000 एमएच बैटरी आपको मिलती है Oppo F11 Pro में। और अगर Vivo V15 Pro की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कम 3700 एमएच बैटरी आपको देखने को मिलती है। तो रिजल्ट आप उस अकॉर्डिंग कंसीडर करिएगा। यहाँ पे एक घंटे के चार्जिंग रिजल्ट पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, और एक घंटे के बाद अगर चार्जिंग रिजल्ट देखे तीनों का, तो 91% पे है Realme 3 Pro, 92% पे है Oppo F11 Pro, और यहाँ पे Vivo V15 Pro की बात करें तो ये अपना पहुंचा 83% पे। तो तीनों में काफी फास्ट चार्जिंग स्पीड है, लेकिन यहाँ पे Realme 3 Pro और Oppo F11 Pro में सेम VOOC 3.0 चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और एमएच भी लगभग सेम है, तो उस अकॉर्डिंग रिजल्ट यहाँ पे लगभग सेम ही निकल के आया है। अब बात करते हैं भाई, थोड़ा हम आगे चलते हैं चार्जिंग स्पीड टेस्ट में, और यहाँ पे पहुंचेंगे हम ओप्पो F11 Pro सबसे जल्दी चार्ज हुआ 4000 एमएच बैटरी के साथ, उस टाइम 98% पे यहाँ पे ये Realme 3 Pro है। एक घंटे 14 मिनट करीब हो गए 100% चार्ज हो गया ओप्पो F11 Pro, 98% पे Realme 3 Pro, और यहाँ पे 92% करीब चार्ज हुआ Vivo V15 Pro। अब बात करते हैं भाई थोड़ी दो चार मिनट में यहाँ पे अपना Realme 3 Pro भी, क्योंकि सेम चार्जिंग टेक्नोलॉजी है तो वो हो गया। तो आगे चल के वो देख लेते हैं यहाँ पे दो तीन मिनट में कि ये कितना जल्दी होता है। एक घंटे 14 मिनट में Oppo F11 Pro 4000 एमएच के साथ हुआ था, और यहाँ पे एक घंटे 17 मिनट कुछ सेकंड में Realme 3 Pro 100% हो गया, और यहाँ पे Vivo V15 Pro ने फुल चार्ज होने में लिया 1 घंटे 46 मिनट का टाइम करीब। तो यहाँ पे अगर बात करें Vivo V15 Pro थोड़ा धीरे है, कंपेयर करेंगे अगर Oppo की VOOC 3.0 चार्जिंग टेक्नोलॉजी से, जो कि आपको Realme 3 Pro और Oppo F11 Pro में देखने को मिलती है। तो तीनों का चार्जिंग रिजल्ट यहाँ पे फाइनल यही था। आई होप आपको ये जरूर वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।